बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक्स हैं उसमें फील्ड्स ऑफ फोर्स। अब फील्ड ऑफ फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक टर्म्स आती हैं वो क्या क्या हैं, कि फील्ड ऑफ फोर्स का ओरिजिन क्या है, इनकी ट्रांसमिशन, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड्स ऑफ फोर्स, पिछले टॉपिक तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ की डिटेल पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हम दो तरह के चार्जेस का, लाइक चार्जेस का और अनलाइक चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन जो है वो चेक करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड क्या चीज़ होती है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके इर्द गिर्द उसकी एक फील्ड क्रिएट हुई होती है, कि चार्ज के करीब वो फील्ड तो स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे वो फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को जानने से पहले हमारे पास सबसे पहली बात आती है ओरिजिन। इन फोर्सेस का, फील्ड्स ऑफ फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आएंगे फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस। जिस तरह से दो तरह के फोर्सेस के बारे में हम जानते हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस तरह हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं पता कि उसकी फील्ड कितनी है, इसी तरह हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का नहीं पता कि उसकी फील्ड का क्या ओरिजिन है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का ओरिजिन स्टिल अननोन है, कोई भी नहीं बता सका कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बनती हैं, कहाँ से जनरेट होती हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक फोर्सेस, मतलब या फिर इंट्रिंसिक फोर्सेस या फिर बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। इनके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता, सो हम इनको फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है। अगली बात आती है ट्रांसमिशन, कि फील्ड्स ऑफ फोर्स ट्रांसमिट किस तरह से होती हैं। ट्रांसमिट होने का क्या मतलब है, कि फोर्सेस जो हैं वो एक बॉडी से या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक किस तरह से मूव करती हैं। इसके बारे में भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं ट्रांसमिशन के बारे में भी, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें माइकल फैराडे ने दिया था फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में, इनकी ट्रांसमिशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, कि ये इस तरह से मूव करती हैं। अब थर्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चार्ज लेते हैं, कोई भी चार्ज ले लो, सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट चार्ज के गिर्द जितनी भी फील्ड है, जितनी फील्ड है इसके इर्द गिर्द, अगर हम किसी और चार्ज को इसके करीब लाकर चेक करें तो वो किस तरह से होगी। द स्पेस और अ रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एग्जर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज, इसके इर्द गिर्द जितने हिस्से में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आए तो उसके ऊपर ये जितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतने हिस्से में है, तो अगर हम यहाँ तक कोई चार्ज लेकर आएंगे तो इसकी फील्ड जो है वो यहाँ तक होगी। अब फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरह से देखी जाती है, अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये डॉट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी फील्ड को, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना हम इस पॉइंट चार्ज के करीब रहेंगे उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी। ये डॉट्स जो हैं वो इसकी इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें इसकी इर्द गिर्द की फील्ड बताएगी। इसके इर्द गिर्द ज़्यादा डॉट्स हैं मतलब इसकी फील्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही हम चार्ज से अवे मूव करते हैं वहाँ पर जाके इसकी फील्ड क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं रहती, डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू की ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद
अगर हमने इसकी फील्ड को चेक करना हो, अब ये जो डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये सारे इमेजिनरी हैं, किसी ने हाथ लगाकर या अपनी आंख से तो इस फील्ड को देखा नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी होती हैं सारी बातें इस फील्ड के अंदर। प्लस क्यू की इतनी फील्ड है, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि कहाँ तक इसकी फील्ड गई हुई है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हम इसके करीब लेकर आएंगे, वो भी पॉजिटिव ही हम लेंगे, अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, वो भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को इसके करीब हम लेकर आए हैं तो अब हमने देखना है कि इसकी फील्ड किस तरह से होगी। अब टेस्ट चार्ज का नाम है क्यू नॉट, ये चार्ज था इसका नाम क्यू था, टेस्ट चार्ज जो हम ये टेस्ट करने के लिए इसके पास लेकर आए हैं इसकी फील्ड को चेक करने के लिए, वो बिल्कुल स्मॉल चार्ज है। स्मॉल क्यों लिया जाता है, ताकि ये इसकी क्यू नॉट चार्ज क्यू की फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे। डिस्टॉर्ट करने का क्या मतलब है कि वो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो जहाँ जहाँ से वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आती है ना, वहाँ से फील्ड जो है वो डिस्टॉर्ट टूट फूट का शिकार हो जाती है, ठीक है। स्मॉल चार्ज इसलिए लेते हैं ताकि वो इसको डिस्टॉर्ट ना कर सके। चार्ज स्मॉल है, उसकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से होगी लाइट, ठीक है। इस चार्ज को हम इसके करीब लेकर आए हैं, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हम इसके करीब लेकर आए हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसको इसके करीब लेकर आए हैं, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब इसकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर कितनी फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, या फिर अगर हमने ई चेक करना है तो ये आएगा एफ ओवर क्यू नॉट। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, अगर हमने E की वैल्यू चेक करनी है तो वो क्या होगी, F ओवर क्यू नॉट, ठीक है। ये हो गई इसकी फोर्स की और इसकी फील्ड की वैल्यू आपके पास। ये एक टॉपिक हो गया आप लोगों का कंप्लीट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है। इस चार्ज के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली कि प्लस क्यू चार्ज और टेस्ट चार्ज एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में लास्ट वाला जो पॉइंट है आपके पास, हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद अनदर चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है या फिर किस तरह उसका आमना सामना होता है दूसरे के साथ, वो सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस डायग्राम में है। सबसे पहले क्या होता है कि प्लस क्यू की एक फील्ड होती है, ठीक है, वो अलोन होती है। जब हम क्यू नॉट चार्ज को उसके करीब लेकर आते हैं, ठीक है, दोनों का आपस में आमना सामना होता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि क्यू नॉट की जो फील्ड है वो क्यू के ऊपर अप्लाई होती है और इसके ऊपर इसकी स्ट्रांगनेस की वजह से इसके ऊपर एक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। स्मॉल चार्ज हम इसीलिए लेते हैं कि वो इसकी फील्ड को, पहले वाले चार्ज क्यू की फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करें, ठीक है। ये था आपका फील्ड्स ऑफ फोर्स। अगला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहले आप लोगों ने फील्ड्स ऑफ फोर्स पढ़ा है, अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, शिद्दत, कि किसी भी एक पॉइंट पर आपके चार्ज की इंटेंसिटी क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। चार्ज जितना स्मॉल होगा उतनी इंटेंसिटी उसकी कम होगी, और जैसे जैसे चार्ज आप बड़ा करते जाओगे उतनी ही उसकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगती है पर यूनिट चार्ज, हम सिर्फ एक चार्ज की बात करेंगे कि एक चार्ज के ऊपर उस पॉइंट पर जितनी फोर्स लग रही है वो क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सपोज आपके पास एक पॉइंट, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, पीछे वाले टॉपिक की तरह हम क्यू नॉट चार्ज उसके करीब लेकर आए हैं, अब हमने चेक करनी है यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक है। इन दोनों की जिस तरह से फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल बैक करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये होगी इसकी फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। तो ये डेफिनेशन के
डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिहाज से उस पॉइंट पर कितनी लग रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम आते हैं इसके यूनिट पर। फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या यूनिट होता है? कूलम। और क्योंकि चार्ज डिवीजन में है तो ये इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट और यूनिट आ जाएगा इसका न्यूटन पर कूलम। अब आगे आती है इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके फॉर्मूले में कितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और कितनी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। E भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। Q चार्ज, इसकी खुद की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है वही डायरेक्शन किस चीज़ की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज एफ। जो फोर्स की जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हमने देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। थोड़ा पीछे जाएं, आप लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्या कहती है? F इज इक्वल टू 1/4 πε0। उसमें क्या था? दो तरह के चार्जेस थे। एक चार्ज को हमने Q1 का नाम दिया था, एक को Q2 का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्जेस कौन कौन से हैं? एक चार्ज आपके पास Q है, दूसरा चार्ज क्या है? Q0। और उनके बीच का डिस्टेंस r2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसके मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक है उसमें अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देखें तो वो ये होगी। ठीक है, अब जबकि हमें पता है कि E किसके बराबर है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, इस बात का भी हमें पता है। तो अब ये वाली इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं 1 और इसका नाम रख लेते हैं 2। पुट इक्वेशन 1 इन 2। E इज इक्वल टू एफ की जगह पर ये पूरा फैक्टर आएगा और नीचे क्यू नॉट एज इट इज। E इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q0 ओवर r2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? Q0। अब देखते हैं किस किस चीज़ की कटिंग हो रही है। और तो कोई क्वांटिटी नीचे सेम नहीं है सिवाय इसके कि Q0। ये वाला Q0 इस Q0 के साथ कट ऑफ हो जाएगा और पीछे क्या बचता है हमारे पास? E इज इक्वल टू 1/4 πε0। ये वाला Q है और नीचे क्या है? r2, Q/r2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी? E इज इक्वल टू, वैक्टर फॉर्म में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे यूनिट वैक्टर नहीं है, लेकिन जब हम इसको वैक्टोरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वैक्टर आ जाएगा। 1/4 πε0 Q/r2 साथ में यूनिट वेक्टर r। अब इस यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन क्या होगी? डायग्राम आप देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर r की क्या डायरेक्शन होगी? पीछे कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा था? जो डायरेक्शन फोर्स की थी वही डायरेक्शन किसकी थी? यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q0। यही डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर। Q से वो किस तरफ को जा रहा है? Q0 की तरफ। तो यूनिट वेक्टर R, उसकी डायरेक्शन क्या है? Q से Q0 की तरफ जा रही है। ये सेकंड टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस का क्या मतलब है? पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रेंथ पढ़ी। अब स्ट्रेंथ से क्या था कि हमें ये पता चल जाता था कि ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतने एरिया तक है।
ठीक है। अब ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे कि इसकी अगर एक चार्ज से निकलने वाली फील्ड इसके इर्द गिर्द फैली हुई है तो उसकी क्या डायरेक्शन है, क्या ये आउटवर्ड जा रही है या ये इनवर्ड आ रही है। तो सबसे पहले है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, हम खुद ज्योमेट्री से इसको ड्रॉ करते हैं। ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा किसी भी चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम एक स्मॉल सा पॉइंट चार्ज उसके पास लेकर आते हैं, तो वो पॉइंट चार्ज हम उसके पास लेकर आएंगे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उस पॉइंट चार्ज को रखेंगे, तो हम वहाँ वहाँ पर देखेंगे कि इसकी फील्ड यहाँ तक जा रही है और ये इसका पैटर्न होगा। अब इसको डायग्राम के साथ मैं इसके पैटर्न को आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स के पॉजिटिव चार्ज से पैदा होने वाली फील्ड का पैटर्न किस तरह से देखा जाता है और नेगेटिव जो पॉइंट चार्ज है उसका पैटर्न किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले है हमारे पास एक प्लस चार्ज क्यू, ठीक है, अब हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे, ये है टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव ही है, इसका नाम है क्यू नॉट, पहले हमने इसको यहाँ पे रखा, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल बैक किया। अब हमने इस क्यू नॉट को यहाँ पे रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, अब क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, फिर से क्या होगी, रिपल्शन, क्यू नॉट रिपल्शन, अब यहाँ पे रखा के पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ पर भी हम क्या पैटर्न देखते हैं कि ये हर जगह पर एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसकी फील्ड जो है वो कहाँ तक फैली हुई है, पूरे इसके राउंड, इसकी फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज की फील्ड पूरे इसके इर्द गिर्द फैली हुई है, और प्लस वाले पॉइंट चार्ज की फील्ड किस तरह से होगी, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज से लेकर जहाँ जहाँ पर रख के हमने इसको टेस्ट किया है वहाँ पर हम ज्योमेट्री से इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। प्लस चार्ज है क्यू, हर हर जगह पर हमने क्यू नॉट को रखा, उसको टेस्ट किया, पॉजिटिव था, क्यू नॉट भी पॉजिटिव था, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, रिपल्शन का, रिपल्शन है तो इसके एरोज जो हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से पैदा होने वाली फील्ड जो है वो किस तरह से होती है कि उसका पैटर्न जो है वो बाहर की तरफ ड्रा होता है। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ मूव करती हैं, आउटवर्ड मूव करती हैं। अब इसी तरह यही वाला चार्ज है हमारे पास, अब टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन जो चार्ज हमारे पास है क्यू चार्ज उसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज है, हर हर पॉइंट पर हम इसकी फील्ड चेक करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, इनके बीच में रिलेशन किस तरह का बनेगा, अट्रैक्शन का, इनके बीच में दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स कौन सी पाई जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारे एरो की डायरेक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड आ गया, हर जगह से फील्ड इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस वक्त फील्ड क्या है, ऑपोजिट, पहले फील्ड आपकी बाहर की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, अब आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इनवर्ड मूव कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव से पैदा होने वाली फील्ड जो है वो होगी तो चार्ज के अराउंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, और दोबारा से किसके अंदर चली जाती हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और अंदर कहाँ जाती हैं, नेगेटिव वाले चार्ज के अंदर चली जाती हैं। ये हो गए आपके दो पॉइंट्स कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन देखी, इसका पैटर्न ड्रॉ कैसे किया जाता है, दो तरह के पैटर्न्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये पॉजिटिव से पैदा होने वाली फील्ड और नेगेटिव से पैदा होने वाली फील्ड के पैटर्न्स बिल्कुल सिंपल थे जो कि हमने इधर पेज पे ड्रॉ कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की ड्रॉ कर ली और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आती है, वो किस तरह से है कि दो तरह के चार्जेस हैं, अगर हम दोनों लाइक चार्जेस को आमने सामने रखें, लाइक चार्जेस मतलब ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो और ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करवाएं, तो तब देखना है कि फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आएगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों में क्या रिलेशन पाया जाएगा, रिपल्शन का, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या करेंगे,
एक पॉइंट आएगा जब दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे बाहर वाली साइड से, लेकिन जब उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने आएगा तो वो उस वक्त क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर वो लाइंस जो हैं वो आपको इमेजिनरी लाइंस एक दूसरे के अंदर जाते हुए फील्स होंगी, वो डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो होगी। अब आते हैं आपके पास थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर लाइक चार्जेस मैंने दो तरह के लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दोनों को मैं आमने सामने लेकर आई हूँ। पहले आपको सिंपल पैटर्न पॉजिटिव चार्ज का पता है कि उसकी जो फील्ड लाइन्स है वो किस तरफ को मूव करती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इससे निकलने वाली लाइंस और इससे निकलने वाली लाइन, बैक साइड पर अगर आप लोग दोनों की बैक टू बैक देखोगे तो वो लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जहाँ से वो एक दूसरे के सामने आती हैं वो क्या हो जाती हैं, साइड्स की तरफ मूव कर जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इनकी एक ही डायरेक्शन है और इन्होंने सेम डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन वो एक दूसरे को ना तो कट कर सकती हैं ना ही एक दूसरे के साथ मैच हो सकती हैं। तो ये जो बीच वाला रीजन है ना आपके पास, ये फील्ड फ्री रीजन है, या फिर इसको आप लोग बोलते हैं न्यूट्रल जोन, ठीक है। ये बिल्कुल न्यूट्रल रीजन है, इस जगह पर कोई फील्ड या कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों की अपनी अपनी डायमेंशंस है, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ओके। अब नेक्स्ट हमने देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस किस तरह से, कि एक को पॉजिटिव रख दिया और दूसरे को नेगेटिव रख दिया, वो मैं ड्रॉ करती हूँ। ये वाली है आपकी फोर्थ डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। नेगेटिव और पॉजिटिव को हमने आमने सामने रखा है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलने वाली लाइंस क्या हैं, बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, और नेगेटिव वाली लाइंस जो हैं वो इनवर्ड मूव कर रही हैं। लेकिन ये तो बात हो गई साइड्स की, लेकिन जब इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में इंटरेक्शन हुआ तो वो लाइंस, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सी फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सो इससे और इससे निकलने वाली लाइंस जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, ठीक है। तो अब इस वाली साइड की डायरेक्शन और इस साइड वाली डायरेक्शन हमें शो हो रही है एरोस के साथ, लेकिन ये जो बीच वाली लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन हमें किस तरह से फाइंड आउट होगी। तो बीच वाली लाइंस जो हैं वो उनकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ईच पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके। जिस जगह पे हमें डायरेक्शन चाहिए वहीं पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर ड्रॉ किया, ये इसकी, ये है और ये है। टेंजेंट जो है वो इसकी इन पॉइंट्स पे डायरेक्शंस को शो करेंगे, जहां पर भी हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। ये चार डायग्राम्स आपके पास कंप्लीट हो गई। अब लास्ट पे हमने पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, के इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। दो तो इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव से निकलती हैं और वापस फिर कहाँ पे आ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपने पॉजिटिव की भी फील्ड देखी, जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव को सामने लेकर आए थे, किसी लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस किया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, अट्रैक्शन की फोर्स है। ये वाला पैटर्न कहीं पे बना कि ये पॉजिटिव से आ रही थी, ये नेगेटिव से आ रही थी, दोनों ने इनको इंटरसेक्ट किया हो, नहीं, ठीक है। तो कभी भी दोनों लाइंस, एक से निकलने वाली या दूसरी से निकलने वाली, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब बात ये आती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि ई जो है ना, ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि है एफ ओवर क्यू नॉट। ई की एक टाइम में एक ही डायरेक्शन हो सकती है, कभी भी ई की दो डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ई की हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी, और इसका हमने फिजिकली भी आप लोगों ने देख लिया कि कभी भी एक लाइन दूसरी को कट करके आगे नहीं गुजरेगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का तो हमें पता है, जो कि स्ट्रेट हैं, पॉजिटिव पॉइंट से आती हैं या जो अकेली नेगेटिव पॉइंट से आती हैं, उनकी डायरेक्शन का तो हमें पता होता है। लेकिन जिस तरह से ये वाला पैटर्न हमारे पास आ गया था पॉजिटिव का और नेगेटिव का, अब हम
इसकी डायरेक्शन किस तरह से निकालें। इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका अभी जो हमने देखा है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताई। अब नेक्स्ट ये आती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। के यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है कि हर साइड से वो मतलब यूनिट ऑफ वन हो, मतलब अगर यूनिट एरिया के अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को गुजरते हुए देखेंगे तो वो किस तरह से गुजर रही होंगी, पासिंग परपेंडिकुलरली। के सर्कल अगर राउंड है तो अगर एक यूनिट एरिया हम देखें तो उसके अंदर से वो किस तरह से गुजर रही होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतने एरिया के अंदर से। अगला है, द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एंड फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीकर। अब पॉजिटिव चार्ज की आप लोगों ने पढ़ी थी, किस तरह से थी ये, इस तरह से। अब ये लाइन्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, ये दूर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फील्ड क्या है, वीक है, जो कि लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हैं। अगर फील्ड आपके पास हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, बहुत ज़्यादा नियर होंगी एक दूसरे के। तो अगर आपके पास फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वली एक दूसरे के पैरेलल ही थ्रू आउट मूव करती रहेंगी। अगर फील्ड आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से बनने वाली फील्ड जो है वो इस तरह सीक्वेंस में नहीं बनेंगी। फील्ड जब चेंज होती रहती है तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती, कहीं पर ज़्यादा आ रही हैं कहीं पर कम आ रही हैं, वो इस तरह की होगी। लेकिन ये जो हमने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ड्रॉ किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।